अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 11 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे डायमेंशन टूल बार के ऊपर डिस्कस करेंगे। डायमेंशन टूल बार क्या होती है, डायमेंशन आप कैसे देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, लीनियर डायमेंशन और अलाइन डायमेंशन किस लिए यूज़ होती है, आर्क लेंथ का क्या फंक्शन है, रेडियस का क्या फंक्शन है, एंगुलर का क्या फंक्शन है, पर्पज ऑफ क्विक डायमेंशन क्या फंक्शन है, डायमीटर, सेंटर मार्क, डायमेंशन एडिट, डायमेंशन टेक्स्ट और अपडेट डायमेंशन का क्या फंक्शन है। आज के लेसन में हम इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डायमेंशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके लिए मैं ओपन करता हूँ ऑटोकैड को। तो आपको जो डायमेंशन है आप देखें तो आपको डायमेंशन यहाँ पे एनिमेशंस पे क्लिक करें और यहाँ पे आप देखें तो आपको इस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे डायमेंशन है, लीनियर है, अलाइन है, एंगुलर है, आर्क है, रेडियस है और डायमीटर है। यहाँ तक ही आ गया। अगर आपको डायमेंशंस की टोटल बार लानी है तो आप यहाँ पे इस बटन पे राइट, यहाँ पे जो इसकी ये जो बार होती है इस पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखें शो टैब पे क्लिक करें और टैब में हमारे पास होम का है, एनजेड का और एनवेट्स पे क्लिक करें। तो यहाँ पे एनवेट्स आ गया और यहाँ से आप देखें तो आपके पास कंप्लीट डायमेंशन के बारे में आ गया। लीनियर डायमेंशन है, अलाइन है, सारी के सारी डायमेंशन है। इसके अलावा यहाँ पे देखें, ये देखें क्विक डायमेंशन भी आ गई। जो जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे उसके ऊपर फिलहाल डिस्कस करेंगे और डायमेंशन जो है वो बाद में उन पर काम करेंगे। अब डेट डायमेंशन आ गई तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे सारा। ओके, तो डायमेंशंस के लिए देखें तो मेरे पास एक लाइन मैंने दी, एल एंटर करता हूँ मैं। तो डायमेंशन का जो तरीकाकार है वो क्या है, एल एंटर किया मैंने, F8 प्रेस, F8 प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे और अब इसको मैं देता हूँ जी 10 फिट, एंटर करता हूँ। अब इसकी डायमेंशन देखना चाह रहा हूँ मैं, डायमेंशन की डायमेंशन सही है, 10 फिट है कि नहीं है। तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करेंगे डायमेंशंस के लिए डायमेंशन। तो मैं यहाँ पे एक डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ या फिर यहाँ से क्विक डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ, इसको कैंची ऊपर ले जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास क्या है, 120 मीन ये हमारे पास डायमेंशन के लिए, मैं डायमेंशन के सेट नहीं किए। डायमेंशन सेट करने के लिए डी एंटर करेंगे, आपको मैंने शायद थर्ड लेसन में बताया था, ये तरीका समझाया था। मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ से प्राइमरी डायमेंशन जो है मैंने इंजीनियरिंग यूज़ की हुई है, इंजीनियरिंग 0 फिट 0 इंच पे क्लिक करके ओके करें, सेट करें, क्लोज करें। तो देखें 10 फीट के हमारे पास डायमेंशन यहाँ पे आ गए। देखते साइज इस डायमेंशन का छोटा है तो उसके लिए कमांड यूज़ होती है, उसको कहते हैं डिम स्केल। डिम स्केल के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे डिम स्केल, DIM स्केल, SCALE, डिम स्केल मीन डायमेंशन स्केल पे क्लिक करें। अभी इस पर डायमेंशन स्केल है वो 0 फिट 1 इंच है, इसको मैं देता हूँ 3 फिट, एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे डायमेंशन देखें, डिम स्केल यहाँ पे नहीं अप्लाई हुआ, सिलेक्ट करें इसको और यहाँ से आप करेंगे अपडेट डायमेंशन पे क्लिक करें। तो क्लिक करके इसको राइट क्लिक करें तो ये देख सकते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, अपडेट होगी, उसका साइज बड़ा हो गया। एक बार फिर मैं आपको समझाता हूँ, डायमेंशन आ गई, इसके लिए आप डी एंटर करें और मॉडिफाई पे क्लिक करके यहाँ से इसकी डायमेंशन जो है वो इंजीनियरिंग यूज़ करें। ओके, सेट करें, क्लोज। साइज कम है तो उसके लिए आप कमांड लिखेंगे डिम स्केल, DIM SCALE डिम स्केल, एंटर कर दें। डायमेंशन को दें 3 फिट में देता हूँ इसको डायमेंशन, एंटर। अब ये डायमेंशन को अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे ये देखें ये बटन है अपडेट डायमेंशन का, देख सकते हैं, इस पर क्लिक करें, यहाँ से इस डायमेंशन को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें तो आपकी डायमेंशन अपडेट हो जाएगी। ओके, तो हमने जी क्या क्या काम कर लिया, हमने एक अपडेट डायमेंशन पे काम कर लिया और क्विक डायमेंशन पे भी काम हम कर चुके हैं। ओके, ये थी डायमेंशन। अब डायमेंशन में लीनियर और इन डायमेंशन का फंक्शन क्या होता है, मैं एंटर करता हूँ। F8 प्रेस करता हूँ और ओके,
अब यहाँ पे डायमेंशन का फंक्शन ही होता है कि आप यहाँ पे देखें डायमेंशन है, लीनियर डायमेंशन बिल्कुल स्ट्रेट के लिए यूज़ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट से क्लिक करें लीनियर को, जब आप सिलेक्ट करें लीनियर को सिलेक्ट किया तो राइट क्लिक कर लें, राइट राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देखें इसको मूव कर लें 11 फुट 10 इंच है। ये अभी मैं फिर दोबारा से लीनियर ही करता हूँ, राइट क्लिक करें इसको मूव करें 12 फुट 7 इंच है। अब यहाँ पे देखें अगर मैं लीनियर अप्लाई करता हूँ तो देखेंगे लीनियर क्योंकि एंगल में है ना, एंगल में आप देखें तो मेरे पास ये क्या कह रहे हैं 11 फुट 2 इंच है, लेकिन ये 11 फुट नहीं है देखिएगा। अब इसके लिए मैं अलाइन डायमेंशन यूज़ करूँगा 14 फुट 3 है देखें, तो जहाँ पे कुछ एंगल का फर्क आ जाए तो उसके लिए आप अलाइन डायमेंशन यूज़ करेंगे, वो समझ आ गया होगा। अब इसी तरह फिर मैं इसको भी अलाइन डायमेंशन यूज़ करता हूँ ओके। अब एंगुलर मीन यहाँ से यहाँ तक इसका कितना एंगल बनता है, तो उसके लिए आप एंगुलर यूज़ करें, देखें एंगल फर्स्ट में यहाँ से यहाँ तक से कितना 90 का एंगल है देख सकते हैं, 90 का एंगल है, इन दोनों में कितना एंगल है वो भी आप देख सकते हैं। एंगुलर पे क्लिक करें 128 का एंगल है, तो ये देखें एंगल भी यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये डायमेंशन एंगुलर हमारे पास आ गई। आर्क लेंथ का क्या फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एक आर्क है मेरे पास, मैं आर्क के लिए एंटर करता हूँ। अभी जो आर्क है ये आर्क डायमेंशन से तो हमारे पास नहीं नापी जाएगी, देखें लीनियर डायमेंशन से आप करें, लीनियर डायमेंशन तो बेसिकली लेंथ के लिए यूज होता है। आप देखें इसकी आर्क की लेंथ कितनी है, तो उसके लिए आप देखें आर्क लेंथ आप यूज करेंगे डायमेंशन, देख सकते हैं कितनी 72 है जबकि यहाँ पे कितना बता रहे 56, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है, आर्क की लेंथ कितनी है 72 फिट 11 इंच है। तो ये जी आर्क डायमेंशन आ गया हमारे पास लेंथ। रेडियस और डायमीटर पैमाइश करने के लिए आपको सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपके पास जो तरीकाकार है वो क्या है, आप सी एंटर करेंगे, सी एंटर करता हूँ फिर सी एंटर करता हूँ ओके। यहाँ पे जाते हैं जाके आप देखें रेडियस, रेडियस पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें तो इसका रेडियस कितना है 14 फुट 4 इंच है, और अगर इसी को आप डायमीटर इसका मेयर करें डायमीटर, तो डायमीटर इसका आता है जी 28। तो हमेशा आप याद रखें कि डायमीटर और रेडियस में फ़र्क क्या होता है, कि डायमीटर हमेशा सर्कल का हाफ होता है, रेडियस जो होता है सर्कल का हाफ होता है, जबकि डायमीटर कंप्लीट सर्कल होता है, और जो रेडियस होता है वो सर्कल का जो हाफ एरिया होता है उसको रेडियस कहते हैं, जबकि डायमीटर जो होता है वो कंप्लीट सर्कल को कहा जाता है। अब यहाँ पे इसी तरह इसको मैं देखता हूँ डायमीटर रेडियस चेक करें इसका, ये रेडियस है इसका देख सकते हैं, ये इसका हाफ हो जाता है ओके। सेंटर पॉइंट है, अब सेंटर मार्क आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका सेंटर मार्क देख सकते हैं, सेंटर मार्क देखने के लिए आप यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे जाएं तो ये सेंटर मार्क है देख सकते हैं, क्लिक करें तो इसका सेंटर मार्क कहाँ पे है, और देखें ये सेंटर मार्क है इसने बता दिया, इसका सेंटर मार्क कहाँ पे है, आप यहाँ से डायमेंशन के नीचे क्लिक करें और सेंटर मार्क पे क्लिक करें तो इसका असाइनमेंट सेंटर मार्क भी यहाँ पे बता देगा, और ये इसका सेंटर मार्क है देख सकते हैं, तो ये थी सेंटर मार्क ओके। तो हम रेडियस भी कर चुके हैं, एंगुलर भी कर चुके हैं, आर्क लेंथ भी मालूम कर चुके हैं, क्विक डायमेंशन भी, डायमीटर भी, सेंटर मार्क भी, डायमेंशन एडिट कैसे कर सकते हैं मीन वो डिम स्केल जो है, डायमेंशन में टेक्स्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, और अपडेट डायमेंशन कंप्लीट हम तकरीबन कर चुके हैं। टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें यह है ना 14, इस पर डबल क्लिक करें और देखें आप यहाँ से टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं इसमें अपनी मर्जी से, आप अगर टेक्स्ट चेंज करना चाहें और टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें आप ये सारे काम कर सकते हैं, तो इसको इंशाल्लाह हम डिटेल से देखेंगे। तो ये था जी डायमेंशन आप कैसे दे सकते हैं, डायमेंशन का कंप्लीट डिटेल थी। तो डायमेंशन लाने के लिए और इस पर कैसे काम करते हैं इसको आप वीडियो को बार बार देखें, ताकि आप आसानी से और अच्छी तरह से आप समझ जाएँ कि आप डायमेंशन पर कैसे काम कर सकते हैं। तो एनवेयर्स पे भी डायमेंशन है, और होम में जाएं तो होम में भी आपको देखें यहाँ पे एनवेशन पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको डायमेंशन यहाँ पे डीवीएस बटन पे क्लिक करें,
लीनियर है, अलाइन है, एंगल है, आर्क है, रेडियस है, डायमीटर, ये सारी इसकी डायमेंशन दी हुई है। डायमेंशन का टेक्स्ट है, मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट, इस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये था जी आपका डायमेंशन, कि आप डायमेंशन कैसे देते हैं, उस पर कैसे काम करते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे कुछ नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में याद रखिएगा, और इस लेसन को बार बार देखें ताकि आप इस पर अच्छी तरह से काम कर सकें। खुदा हाफिज़।